लाडली बहनों के लिए उज्जवल योजना आ गई, लाडली बहन योजना आ गई। गांव वालों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। गैस की टंकी दी हमको, दे दी, 1000 रुपए ले रहे, कुछ दे रहे क्या? उनको मिल रहा है, हमको नहीं दे रहे कोई, है ना, तो हम नहीं तारीफ कर सकते। जो अपने वो सब्जी मिलती है ना, वो बोलते 50 रुपए पाओ, 40 रुपए पाओ, कैसे खाएंगे गरीब लोग बताओ। कोई भी आपको अभी तक ऐसा कोई लाभ नहीं मिला सरकार की तरफ से जिसे आपको कुछ मिला हो? नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, एक और राजनीतिक दल वोटर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता ने अपनी सारी शिकायतों का मोर्चा सरकार के सामने खोल दिया है। नमस्ते आंटी, क्या नाम है आपका? माया गेडाम। माया गेडाम। अच्छा, तो जैसे कि सरकार अपनी बहुत सारी योजना लाई है लाडली बहना के लेकर के, आपको उससे क्या लाभ मिल रहा है? मेरे को कुछ भी लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन लाडली योजना दिया ही नहीं हमको। क्यों आपको? लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो रोज सरकार को लेकर के, शिवराज सरकार को लेकर के इतनी सारी तारीफें कर रही हैं, आप कोई तारीफ नहीं कर रही हैं? हमको लाभ ही नहीं मिल रहा था, हम कहाँ से तारीफ करेंगे बताओ? हाँ, दिया ही नहीं हमने तो कहाँ से तारीफ करेंगे बताओ? कुछ भी नहीं मिला हमें, हमको कुछ मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं मिल रहा। अरे लाडली बहनों के लिए उज्जवल योजना आ गई, लाडली बहन योजना आ गई। गांव वालों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। जो सरकारी जो जॉब करते हैं उनके लिए तो कुछ भी स्कीम लागू कुछ भी नहीं है। तो आपका कहना क्या है कि मतलब सिर्फ गांव वाली बहनों पे फोकस कर रहे हैं, आप लोग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे, नहीं, कुछ भी नहीं। कोई भी आपको अभी तक ऐसा कोई लाभ नहीं मिला सरकार की तरफ से जिसे आपको कुछ मिला हो? नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो आने वाले चुनाव में आपका वोट किसको जाएगा? कौन सी पार्टी को आप वोट देना चाहेंगे, या फिर अपना विधायक, अपना सीएम किसको चुनना चाहेंगे? जो देश के लिए करेगा उनके लिए करेंगे हम। देश के लिए कि आपके लिए? नहीं, हमारे लिए नहीं, जो सबके लिए करेगा वो हमारा रहेगा। देखो, हम बता रहे, हमारे बच्चों के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, जो भी सरकार उसको देंगे हम। तो आपके बच्चों के लिए तो बहुत सारी योजना उन्होंने चलाई है, जैसे कि सीखो कमाओ योजना। जाति प्रमाण नहीं पत्र नहीं दे रहे वो लोग, जाति प्रमाण पत्र नहीं दे रहे हैं। अभी स्कूल में जाएंगे, 11वीं में है हमारी नातन, उसको भी नहीं मिला। 12वीं के बाद में मिलती कि नहीं मिलती? कुछ नहीं मिलती बच्चों के लिए, कुछ नहीं मिलती। जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं हमसे क्या? अच्छा, आपसे जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं? हाँ, हमारे बच्चों के लिए। अब है ही नहीं तो कहाँ से देंगे बता। और तो ये जैसे कि बहुत सारी योजनाएं और भी ला रहे हैं, वो अभी भी ला रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा आपको होप रहेगा कि मिल जाएगा? हमने कुछ दिया ही नहीं, हमको मना कर दिया। आप क्या कह रही थी? आप अभी कुछ कह रही थी, कुछ योजना हमें नहीं मिली है। हम ये मतलब हमको तो कुछ फायदा ही नहीं मिल रहा कोई। तो आप दोनों सरकार से बहुत ज्यादा नाराज दिख रही हैं, क्या हो गया ऐसा? मतलब योजनाएं का लाभ नहीं मिल रहा इस वजह से? जो अपने वो सब्जी मिलती है ना, वो बोलते 50 रुपए पाओ, 40 रुपए पाओ, कैसे खाएंगे गरीब लोग बताओ। तो लेकिन 180 रुपए किलो दाल, क्या इतनी महंगाई बढ़ा दिए, क्या खाएगा? सिलेंडर देखो इतना महंगा, और है ना। तो लेकिन उज्जवल योजना में सिलेंडर तो कितना सस्ता कर दिया है? लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए उतना ही है। सस्ता नहीं लिया हमने, 1000 रुपए के ऊपर ही, 1000 रुपए के ऊपर ही सिलेंडर भी हमको उतना ही महंगा मिला। हाँ, हमारे कौन से खाते में 1000 रुपए जा रहे हैं या 2000-3000 रुपए मिल रहे हैं? हम ले रहे हैं और वापस ले रहे हो, वापस ले रहे हैं और कैसा बता रही हैं? सुनो, गैस की टंकी दी हमको, दे दी, 1000 रुपए ले रहे हैं, कुछ दे रहे क्या? एक बार दो बार दे दी, उसके बाद में खत्म। मतलब आप शिवराज जी से बहुत नाराज नजर आ रही हैं? नहीं नाराज भाई, भाई साहब नहीं, लेकिन कितनी लाडली बहना है वो शिवराज सरकार के नाम पे नारा लगा रही, शिवराज सरकार के अलावा। उनको मिल रहा है, हमको नहीं दे रहे कोई, है ना, तो हम नहीं तारीफ कर सकते। प्रूफ देने का कुछ प्रूफ नहीं है हमारे पास। तो लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जाए कि ज्यादातर जितनी भी हिंदू बहनें हैं वो ज्यादा खुश है सरकार से, आप लोग मतलब मुझे देख के नजर नहीं आ रहा ऐसा कुछ। वो जो जो भाई लोग हैं ना, वो दूसरे समाज की, काय की समाज है मुझे नहीं मालूम, उनको मिल रहा है। हाँ, है उनके लिए स्कीम लागू है, अपन लोगों के लिए कुछ नहीं है। वहीं से जहाँ से उनका वीडियो बन रहा है वहीं से ज़्यादा लागू है, आपका कहना ये है कि जहाँ से उनको प्रचार मिल रहा है वहीं से ज़्यादा लागू है, आपकी तरफ से कोई नहीं, निचली स्तर पर आकर कोई नहीं पूछ रहा है कि सरकार उसके लिए क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है? अगर हमको मिलता ना तो हम फौरन जवाब देते आपको, तारीफ करते हैं। सही है,
झूठ थोड़ी बोल रहे हैं हम, जरा झूठ नहीं बोलेंगे जो है। बहुत शुक्रिया आप तो सर, अभी जो सरकार इतनी सारी योजनाएं चला रही है उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है? मुझे सुनहरी योजना का लाभ मिला है, मेरी वाइफ को मिला लाडली बहना योजना का लाभ। अच्छा, तो आपको सरकार से आप खुश हैं? मतलब खुश है। तो आपको सरकार से मतलब कोई जैसे कोई चेंजेस या फिर कुछ बदलाव चाहिए इस सरकार में? बीजेपी ही चाहिए कि कांग्रेस चाहिए? बीजेपी चाहिए। बीजेपी चाहिए? हाँ। सर आपको? बीजेपी। बीजेपी चाहिए, सबको बीजेपी चाहिए, कोई बदलाव नहीं। सर जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि रोड बहुत टाइम से खराब है, तो सरकार इसके लिए कुछ करी अभी तक, करा कि नहीं करा? काम चलता रहता था। काम चलता रहता है। बड़े बड़े बारिश से रोड उखड़ती है, कितना भी कर ले, बारिश से रोड उखड़ गए, बाकी काम अच्छा है। बारिश से काम। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? बस और आप कुछ नहीं कहना चाहेंगे? तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे लोग सरकार से बहुत ज़्यादा खुश हैं, इनको सरकार अपनी नहीं बदलनी, इनको बीजेपी ही चाहिए, इनको शिवराज सरकार ही बहुत ज़्यादा पसंद है। लाडली बहनों के लिए उज्जवल योजना आ गई, लाडली बहन योजना आ गई, गांव वालों के लिए, हम लोगों के लिए नहीं है। गैस की टंकी दी हमको, दे दी, 1000 रुपए ले रहे, कुछ दे रहे क्या? उनको मिल रहा है, हमको नहीं दे रहे कोई, है ना, तो हम नहीं तारीफ कर सकते। जो अपने वो सब्जी मिलती है ना, वो बोलते 50 रुपए पाओ, 40 रुपए पाओ, कैसे खाएंगे गरीब लोग बताओ आप। कोई भी आपको अभी तक ऐसा कोई लाभ नहीं मिला सरकार की तरफ से जिससे आपको कुछ मिला हो? नहीं, कुछ नहीं। जैसे जैसे चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है, एक ओर राजनीतिक दल वोटर्स पर ज्यादा फोकस कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता ने अपनी सारी शिकायतों का मोर्चा सरकार के सामने खोल दिया है।